हाय स्टूडेंट, आप सभी का सैम पे क्लास इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमें 18 एंड 30 ये दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें उसको ठीक से अरेंज करके लिखना होगा। जब हम दोनों नंबर को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमें 8 और यहाँ पे 0 मिलेंगे, यानी यहाँ पे वो 2 से दोनों नंबर यहाँ पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 9 जा 18 होता है, देन 2 15 जा यहाँ पे 30 होगा। अब ये दोनों नंबर जब हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमें 9 और 15 है, ये दोनों नंबर हमें यहाँ पे 3 के टेबल में यहाँ पे मिलेंगे। तो हम इसको 3 से यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखेंगे। 3 जा यहाँ पे 9, देन यहाँ पे 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 3 और 5 दोनों ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर से यहाँ पे एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, सिर्फ 1 से वो डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे एचसीएफ, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये जो स्टैंडिंग लाइन में जो भी नंबर होंगे वो हमें लिखने होंगे इनटू के फॉर्म में 2 इंटू 3। यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 18 एंड 30 दोनों का यहाँ पे एचसीएफ क्या है, 6 है। और यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। अभी एलसीएम, एलसीएम में क्या करना है, हमें ये दोनों जो नंबर है हमारे स्टैंडिंग और यहाँ पे स्लिपिंग लाइन दोनों को हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 इंटू 3, देन यहाँ पे 3, देन लास्ट में 5। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम। 2 3 6, 6 3 18, 18 5 यहाँ पे 19। इस तरह हम इस नंबर को सॉल्व करके एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब हम सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे 15 एंड 45 का हमें एलसीएम और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो हम सबसे पहले उसको अरेंज करेंगे, देन उसके यहाँ पे हम फैक्टर निकालेंगे। तो हम ये दोनों नंबर जब भी नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमें 15 और 45 ये दोनों जो नंबर है यहाँ से 3 से वो डिवाइड हो सकते हैं। तो हम उसको 3 से ही उसके फैक्टर निकालेंगे। 3 5 जा यहाँ पे 15 और 3 15 जा यहाँ पे 45। अब ये दोनों नंबर फिर से हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमें 5 से दोनों डिविजिबल है। तो हम उसको 5 से डिविजिबल कर देंगे। यहाँ पे 5 1 5 और 5 3 यहाँ पे 15। इस तरह ये दोनों नंबर हमें आसानी से इसके फैक्टर हम निकाल सकते हैं। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो स्टैंडिंग लाइन को इनटू के फॉर्म में आकर हमें सब नंबर को लिख देना है। 3 5 यहाँ पे 15, ये 15 हमारा 15 और 45 का एचसीएफ है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे हम। तो जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे जो सब नीचे वाले नंबर है एल फॉर्म में उस सब को हमें यहाँ पे इंटू के फॉर्म में लिख के इसको सॉल्व करना है। देखिए, जब भी एचसीएफ है तो स्टैंडिंग लाइन है और एलसीएम है जो एल के फॉर्म में होगा। ऐसे एल के फॉर्म में जो भी नंबर है वो सभी क्या हो गए, हमारे एलसीएम है। तो एल यानी एल के फॉर्म वाले सब नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3,
यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 जाए पे 15, 15 1 जा 15 और 15 3 जाए पे 45। तो यहाँ पे हमारा 15 एंड 45 का एलसीएम यहाँ पे क्या है, 45 है, और एचसीएफ यहाँ पे 15 है। इस तरह हम उसको एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं।